टर्म का दौरा होने वाला है। कौन है? ये वो इंसान है जिसने झूठ में दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है। झूठ बोलने में इसका अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड है। न जाने कितने मासूमों का, बेगुनाहों का कातिल। बाकी शराबी, जुआरी, जो भी आप कहना हो कह लें, ये चीज़ें उनके लिए कोई बहुत माना नहीं रखती है। लेकिन इन सब से अहम जो मौजूदा ज़माने में वाकयात हुए हैं, शहीद कासिम सुलेमानी का कातिल, शहीद अबू महदी मुहंदिस का कातिल, दुनिया के अमन अमान का कातिल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो सिर्फ तहलीली शक्ल में होती हैं, यहाँ पे बयान करना मुमकिन नहीं है। वरना ये वो लोग हैं कि जो अगर हुकूमतें इनकी ग़ुलामी, इनके मिजाज के मुताबिक ना चले, तो ये लोग ठीक ठाक हुकूमतों को बदनाम करवा के गिरवा देते हैं। खेलते हैं, पूरी दुनिया से खेलते हैं, पूरी दुनिया को अपने आगे खिलौना बना के रखते हैं। आज हमारा मुल्क ऐसे बदकिरदार, बदतरीन इंसान के लिए कि जिसको खुद उसका मुल्क भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, आज हमारा मुल्क उसके इस्तकबाल के लिए इतनी तैयारी कर रहा है। ख़ास करके अहम तरीन चीज़ की उसने ऐन आने से कुछ दिन पहले हमारे मुल्क की तौहीन भी की है। छोटी बात है हिंदुस्तान के लिए, एक फर्द की तारीफ कर दी। खूब ये फर्द, ठीक है, एक फर्द की तारीफ की, खुश हुआ अपनी जेब से कहे ना इस्तकबाल, क्यों मुल्क को उसके बीच में डाल ला? जबकि मुल्क में इकोनॉमिकल एतबार से, इक्तिसादी एतबार से हालात इतने ख़राब चल रहे हैं, ऐसी सूरत में हमने पढ़ा है न्यूज़ में, नहीं मालूम इतना बड़ा फिगर है कि यकीन भी नहीं होता है, कि 100 करोड़ खर्च करने को तैयार है गुजरात गवर्नमेंट उसके लिए। अभी मुल्क में इतनी, अभी हमने आपको बताया न्यूज़ को, 20 रुपये के लिए बच्चा मर गया। 100 करोड़ कितने दिन रहेगा गुजरात में? तीन घंटे। उस पर इतना खर्च हो रहा, ये तो अय्याशी और इसराफ और फजूल है। इन सबसे बढ़ के कहाँ हम जा रहे हैं? ये ऐसा नहीं है कि इसका ताल्लुक हम लोगों से नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। हमारा मुल्क है, ये जो खर्च हो रहा है ये हिंदुस्तानियों का हक खर्च हो रहा है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो गवर्नमेंट की मिल्कियत नहीं है, गवर्नमेंट उसका अमीन है, गवर्नमेंट उसकी अमीन है। अपनी मर्जी के एतबार से कहीं भी कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। बहरहाल हमारे लिए ज़रूरी है कि पूरा अमन तरीके से कानून के दायरे में रह के इस सफ़र और इसमें जितनी भी बदनवानियाँ हो रही हैं, इनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, एहतजाज करें और गवर्नमेंट को बताएं कि हिंदुस्तान की आवाम सो नहीं रही, उसको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है।